नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाउड न्यूज। एक खबर निकल कर आ रही है कि जल संरक्षण करना सभी का कर्तव्य। नरेंद्र प्रताप पालित। आज यूथ फोर सेवा के द्वारा बालिका उच्च विद्यालय एवं शिशु संस्थान में पर्यावरण संरक्षण जागरूकता संगोष्ठी तथा करियर काउंसिलिंग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि महाराज कॉलेज के भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो डॉक्टर नरेंद्र प्रताप पालित, समाजसेवी श्रीमती रीता सिंह, यूथ फोर सेवा के प्रदेश संयोजक आनंद कुमार, प्रधानाध्यापक श्री जगदीश सिंह, डॉक्टर निरुपमा सिंह ने संयुक्त रूप से द्वीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात स्वामी विवेकानंद जी और भारत माता के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित किया। आगत अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्र से किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में छात्राओं को संबोधित करते हुए महाराजा कॉलेज भूगोल विभागाध्यक्ष व सिंडिकेट सदस्य नरेंद्र प्रताप पालित ने सरल शब्दों में जल का महत्व बताते हुए जल संरक्षण के गुर छात्र छात्राओं को सिखाए और भविष्य में जल को बर्बाद होने से बचाने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर नरेंद्र प्रताप पालित ने कहा कि लोग अंधाधुंध जल का दोहन कर रहे हैं, बेवजह हमें पानी बर्बाद होने से रोकना होगा। आज हम देख रहे हैं कि देश के अधिकांश हिस्से में जल संकट विकराल रूप ले चुका है। हमें छोटे छोटे प्रयास कर अपने दैनिक जीवन में जल संरक्षण करना चाहिए। विद्यालय के व्यवस्थापक रामजी तिवारी ने पर्यावरण प्रदूषण के कारण पक्षियों की कई प्रजातियों के विलुप्त होने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, हमारी पृथ्वी प्रकृति के जीवन चक्र के सिद्धांत पर आधारित है और किसी प्रजाति विशेष का विलुप्त होना आने वाले समय में किसी भीषण प्राकृतिक विपदा के आने का संकेत है, जिसका कारण हम मनुष्य ही हो गए। यदि आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखना है तो जियो और जीने दो के सिद्धांत का पालन सभी को करना होगा और जिससे जितना बन सके पशु पक्षियों के संरक्षण में सहयोग करना होगा। उपस्थिति छात्र छात्राओं ने भी श्री तिवारी जी की बातों का समर्थन करते हुए अपने अपने घरों के छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी रखने की शपथ ली और आसपास के लोगों को भी प्रेरित करने की बात कही। करियर काउंसिलिंग के सत्र में श्रीमती रीता सिंह ने छात्राओं को बताया कि सबसे पहले अपनी रुचि के अनुसार अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, इसके बाद तब तक चैन न बैठे जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। सीखे गए पाठ का बार बार अभ्यास ही हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। छात्र छात्राओं में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा की भावना होनी चाहिए, क्योंकि प्रतिस्पर्धा ही हमारे अंदर लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु जुनून पैदा करता है और हम सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच पाते हैं। आज तकनीकी युग है और ऐसे में बच्चों को कंप्यूटर की जानकारी के साथ अन्य तकनीकी जानकारी लेना चाहिए, जिसका प्रयोग अपने भविष्य में कर सकते हैं। इस अवसर पर विद्यालय के नवम वर्ग की छात्रा सृष्टि गुप्ता, कुमारी श्रेया, दशम वर्ग की छात्रा स्नेहा मिश्रा, कुमारी सौम्या, कोमल कुमारी, सप्तम वर्ग की छात्रा अनु कुमारी एवं कृतिका कुमारी ने भी अपने अपने विचारों को व्यक्त किया। मंच संचालन सुरेश कुमार ने तथा धन्यवाद ज्ञापन अमित कुमार शाह ने किया। इस अवसर पर विक्की कुमार, चंद्रभूषण उपाध्याय, नर्वदेश्वर उपाध्याय, सूर्यकांत कुमार, गायत्री अखौरी, वीना श्रीवास्तव, पुष्पा पांडेय, उषा कुमारी, प्रियंका कुमारी, एकता कुमारी तथा विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं और अभिभावक उपस्थित थे। मांग भी बदली जाएगी। अभी हमारे देश में 40% लोगों को शुद्ध जल, लगभग 60 करोड़ लोगों को शुद्ध जल नहीं मिल पाता है। प्रति वर्ष 2 लाख लोगों की मृत्यु शुद्ध जल या पेयजल के अभाव में होता है। वे कई बीमारी ग्रसित हो जाते हैं गंदे जल पी करके और वो उनकी मृत्यु होती है। जल के अभाव में एग्जाम में जाए तो वहाँ खासकर महिलाओं को 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर के जाकर के पानी लाना पड़ता है पीने के लिए। और हम लोग क्या सोचते हैं कि काफी जल मेरे पास है, गए हैंडपंप चलाए सबमर्सिबल से पानी निकाल लिए, खूब यूज कर रहे पानी को, बर्बाद कर रहे हैं उसको। प्रकृति ने हमें दिया, सब कुछ दिया, लेकिन हम लालची हो गए और उसका उपयोग करने लगे। जब तक हैंडपंप था तो उतना ही पानी निकालते थे जितनी आवश्यकता होती थी, कुआं से उतना ही पानी निकालते थे जितनी आवश्यकता होती थी। जब से पंप सेट लग गया, समरसेबुल लग गया, तो पानी का दुरुपयोग होने लगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें क्या ना करें, ये आने वाली पीढ़ी वर्तमान पीढ़ी भी जूझ रही है। विश्व के 400 जो शहर है उसमें चेन्नई, नाम सुने हो, वो एक नंबर का आता है जहां की पानी का क्राइसिस है। जल का अभाव सबसे ज्यादा वो है चेन्नई में, जबकि वो समुद्र किनारे का 80 शहर है, लेकिन विश्व में पहला कहीं जूझ रहा है समस्या से वो चेन्नई। आपका दिल्ली 15वें स्थान पर है, बेंगलोर 6ठे स्थान पर है। तो ये सोचना होगा कि कैसे हम बचाएं पानी को। मैं जैसे 9 बजे शुरू हो जाती थी, आज शनिवार है ना,
तो बहुत कुछ नहीं चाहूंगा, बहुत मैं सिर्फ उन बातों में बताऊंगा कि हम कैसे उससे बचे। तो यदि हम ब्रश करते हैं, नल को खोल करके ब्रश करते रहते हैं, नल चालू रहता है, पानी बहता रहता है, यदि हम उस पानी को जग में लेकर के मग में लेकर उपयोग करें तो एक चौथाई पानी खपत होगा। यदि 4 लीटर बर्बाद हो रहा है ऐसे नल से खोल करके तो 1 लीटर में वो काम हो जाएगा मेरा। अब इतने बच्चे हैं, इतनी आबादी है, सब अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज सिटी लाउड न्यूज़ को फॉलो करें। धन्यवाद।